जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाएं। सवाल टॉपिक से थोड़ा हटके है, आप सवाल बता दें, लेकिन अगर जरूर। सवाल के जवाब देना मुनासिब समझेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने जवाब रखेंगे, नहीं तो वेट करने के लिए बोलेंगे। आप सवाल रख दें। मेरा सवाल ये है कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है मियां बीबी के बारे में कि दोनों के दरमियान अल्लाह ताला ने मोहब्बत और हमदर्दी एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए डाली है। तो मेरे केस में एक औरत का जिम्मेदारी क्या होती है कि बच्चों को संभालना, बच्चों की अच्छी परवरिश करना, अपने घर की अच्छे देख रेख करना, ख्याल करना, अपने शौहर का ख्याल करना, और बदले में मैं अपने शौहर से सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो उनकी मोहब्बत चाहिए। कभी वो इसका इजहार नहीं करते। कभी मैं उनसे सवाल करूँ तो वो बोलते हैं कि तुम इन चीज़ों से बाहर निकलो, इन्हीं चीज़ों में पड़ी रहती हो, इससे कब बाहर आओगी, बाहर आओ। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इससे बाहर आ भी जाऊँ तो फिर मैं दूसरा क्या काम करूँ, क्योंकि तो मुझे लगता है मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी सिर्फ इतनी। और दूसरा सवाल ये है कि जी हमदर्दी सर, से मुतालिक। हेलो, जी सर, आप जवाब देना चाह रहे हैं? दूसरा एक और मेरी बात सवाल पूरा नहीं हुआ, सॉरी मेरा सवाल सवाल थोड़ा पूरा सा नहीं हुआ है। वो काउंसलिंग से रिलेटेड है। मैं चाहता हूं कि दूसरों को मौका दूं। अगर आप जवाब देना बेहतर समझें तो आप बोल सकते हैं। देखिए, सवाल तो बहुत ही आम और बहुत जनरल है और बहुत जाती किस्म का भी है। इसको मतलब चंद लाइन में इस पर बात करना ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं खुलासे के तौर पर ये कहूंगा कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो मुकम्मल तौर से एक दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक पर मबनी है, शौहर की जानिब से भी और बीवी की जानिब से भी। वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनसे मारूफ के साथ, एहसान के साथ, अच्छाई के साथ, अखलाकमंदी के साथ उनसे मुआमला करो। और ये हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए है। और ये जो हुस्ने सुलूक है, हुस्ने सुलूक का कोई ऐसा डिफिनेशन नहीं है कि हम उसको उंगली पर गिन के बता दें कि ये करो, यही हुस्ने सुलूक है। हुस्ने सुलूक में हर तरह की अच्छाई ये दाखिल हो गई, हर तरह की चीज शामिल है। तो बीवी का अपने शौहर का ख्याल रखना, शौहर का बीवी का ख्याल रखना, ये सारी इन्हीं सारी चीजों पर मियाँ बीवी की जिंदगी खुशगवार गुजर सकती है। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हुकूक हैं मियाँ और बीवी के हुकूक। देखिए, हमारे यहाँ गलती क्या होती है, इस ये जो मौजू है इसमें उमूमन गलती ये होती है कि वाजिबात को और मुस्तहबात को एक साथ मिला दिया जाता है। मियाँ और बीवी के एक दूसरे के तई कुछ हुकूक हैं और कुछ वाजिबात हैं। शौहर के ऊपर बीवी के कुछ हुकूक हैं, उनको देना शौहर के लिए वाजिब है। उसके आगे की जो चीजें हैं वो मुस्तहबात में दाखिल है। अगर वो दे तो अच्छी बात है, देगा तो उनकी जिंदगी और भी अच्छी होगी, लेकिन कुछ चीजें बुनियादी तौर से शौहर के लिए बीवी को देना ये वाजिब है, उसको देना है। इसी तरह से बीवी का मसला भी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बीवी के ऊपर वाजिब है अपने शौहर के लिए करना, अगर उसको नहीं करेगी तो गुनहगार होगी। और उसके आगे की जो चीजें हैं वो हुस्ने सुलूक में और मुस्तहबात में आएंगी। तो अपने यहाँ खराबी यही होती है कि बहुत सारी चीजें जो जिनका दर्जा मुस्तहबात का है उनको वाजिब समझ लिया जाता है। जैसे मैं मिसाल दूं, अगर कोई बीवी है तो जो बुनियादी तौर पर शौहर के ऊपर जो बीवी के लिए चीजें वाजिब हैं, वो बीवी का नानो नफका, उसका खर्चा, खाना पीना, कपड़ा, घर, अपनी हैसियत के मुताबिक, अगर बीमार हो गई तो उसका इलाज, उसका ख्याल रखना, उसको हर तरह की चीजों से महफूज रखना, सारी परेशानियों से, ये सारी चीजें शौहर के ऊपर वाजिब हैं। अब इसके अलावा जो बुनियादी खर्चा, बुनियादी जरूरियात, बुनियादी नानो नक्का से जो जायद चीजें हैं, अगर शौहर अपनी बीवी को देता है तो उसके लिए अजर है, लेकिन अगर वो नहीं देता है तो हम उसको मरामत नहीं कर सकते, हम उसको मलामत नहीं कर सकते। जैसे शौहर ने सारी उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी की, अब बीवी को एक गाड़ी चाहिए,
बीवी को एक अच्छी लग्जरी गाड़ी चाहिए, वो बुनियादी जरूरत में नहीं है। अब अगर शोहर उसको नहीं दे रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो है शोहर जालिम है, ज्यादती कर रहा है। तो इसलिए मौजू बहुत लंबा है और सारे लोगों को चाहिए कि ये जो सकाफतु जवाज है, जो एक हमारी शरीयत के अंदर शादी का जो कल्चर है, उस कल्चर को समझना और मियां और बीवी में से हर एक को अपने हुकूक का और अपने वाजिबात का समझना जरूरी है। होता यह है कि अगर कोई आदमी अपने आप को मजलूम समझ ले जबकि वो मजलूम नहीं है, अगर वो मजलूम समझ रहा है अपने आप को, तो इसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि वो खुद भी जुल्म करने लगेगा। कोई ऐसी चीज जो आपके ऊपर मेरे लिए वाजिब नहीं है, अगर मैं उसकी तवक्को रखूं और मैं सोचूं कि आप जालिम हो, आप मुझे नहीं दे रहे हो, तो उसके नतीजे में मेरे तसर्रुफात गलत होने लगेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मियां बीवी एक दूसरे के हुकूक और वाजिबात को नहीं जानते। बाकी उसके अलावा जो आगे की चीज है, हुस्ने मुआशरत, जिसके बगैर कोई भी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती मियां बीवी की। और उसी को कुरान करीम में, जिसकी तरफ बहन ने इशारा किया, अल्लाह ताला ने फरमाया वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा। तो एक चीज तो ये कि अल्लाह ताला कुदरती तौर पर, फितरती तौर पर मियां बीवी के दरमियान मवद्दत, रहमत और उल्फत का जज्बा पैदा कर देता है, और ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। हर शादीशुदा आदमी, चाहे मर्द हो औरत, इसको जानते हैं। दूसरी बात यह कि इस आयत में इस बात की तरफ इशारा है कि ऐसे वो तमाम काम करो जिससे तुम्हारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत और मवद्दत का जज्बा पैदा हो। बाकी जो उनका सवाल है बहुत जाती किस्म का है और बहुत सारी चीजों को उसमें समझने की, पूछने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि अगर इस तरह का कोई मसला है तो आई प्लस में भी बहुत सारे उलमा मौजूद हैं, खास तौर से हमारे शेख सरफराज साहब इसके मुतखसिस हैं इस तरह के समाजी और मुआशरती मामलात के, उनसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई गलत फहमी है, कोई ऐसा हक जो आपका हक बनता ही नहीं है, उसके सिलसिले में आप सामने वाले को जालिम नहीं समझ सकती हैं। हाँ, अगर हकीकत में उधर से कोई ज्यादती हो रही है तो वो गलत और नाजायज है, लेकिन दोनों के दरमियान फर्क करना ये जरूरी है। जी, उम्मीद है कि मिस्टर खान को जवाब मिल गया होगा। अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। हाँ, मेरा पूरा सवाल ये था कि हमदर्दी भी थी, मोहब्बत और हमदर्दी। तो हमदर्दी से मुझे मेरे शौहर को देख के बहुत ऐसा लगता है कि यही सिर्फ मेरे हमदर्द है। और बहुत छोटी सी बात पर अगर मुझे किसी से कोई तकलीफ है तो उनको देखते मुझे रोना आ जाता है। उस बात पे वो मुझसे झगड़ा करने लगते हैं, मुझे डांटने लगते हैं कि तुम रोते क्यों। तो उनसे हमदर्दी की उम्मीद भी ना करूं तो फिर किससे करूं, क्योंकि उनके सिवा मुझे नहीं लगता कोई है कि मैं किसी से हमदर्दी की उम्मीद। देखिए देखिए बहन, ये ऐसा मसला है ना, इसका जवाब आपको कोई मुफ्ती नहीं दे पाएगा। ये मसला ऐसा है कि थोड़ा सा आप जो है जहानत से मसले को डील करें तो आप उसको खुद डील कर सकती हैं। और लोगों की तबीयतें अलग अलग तरह से होती हैं। हर मियां बीवी को चाहिए कि वो अपने सामने वाले की मिजाज को, उसकी तबीयत को समझे। और शौहरों के साथ बहुत तरह के मसाइल होते हैं, खास तौर से जो घर से बाहर निकलते हैं बिजनेस के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, वो दुनिया भर की परेशानियों से जूझ करके घर में आते हैं। अब अगर हो सकता है वो चीज जो आप तवक्को कर रही हो, डायरेक्ट वो चीज ना मिल रही हो, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उनको आपसे मोहब्बत नहीं है या जो है उनके दिल में आपके लिए हमदर्दी नहीं है। तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए। और ये आपका ऐसा जाती किस्म का मामला है कि इसको आप ही हैंडल कर पाएंगे। और आप ये बताइए मुझे कि वो ऐसा क्या करें कि आपको ये लगे कि इनको मुझसे हमदर्दी है। क्या आपको वो खाना खर्चा और जो आपकी बुनियादी जरूरतें हैं वो सारी चीजें देते हैं? क्या आपके ऊपर कोई जुल्म तो नहीं करते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं करते हैं। वो अपनी तमाम जिम्मेदारियां बहुत 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 बखूबी निभाते हैं और इसके लिए मैं सबसे तारीफ करती हूँ उनकी। वो वाकई बहुत अच्छे हैं और मुझसे मोहब्बत। भाई, मोहब्बत कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो मतलब इंसान के सर में सीन निकल आएगा तो दिखेगी कि अब ये मोहब्बत करता है। वो जो आप कह रही हैं, सुनिए, आपने कहा कि मेरी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, कोई मेरे ऊपर ज्यादती नहीं करते, ये किस बात की दलील है?
किस बात की अलामत है ये? मतलब जो चीजें, जो जज्बात हमारे अंदर होते हैं, उन जज्बात की कुछ अलामतें होती हैं, क्योंकि जज्बात तो दिखने वाली चीज नहीं है, वो अलामतों से पता चलती हैं, कुछ साइन होते हैं उसके। तो ये जो चीजें आप खुद एतराफ कर रही हैं कि वो बड़े अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, मेरे ऊपर कोई ज्यादती नहीं करते, ये जो चीजें हैं, ये किस बात की हकी अलामत है, किस चीज का साइन है? जी सर, कभी कभी असल मसला ये होता है ना कि बात असल ये होती है कि जब सामने वाला घर पहुंचता है कोई भी इंसान, तो उसका मिजाज तो आप जानते हैं कि किस तरह से बाहर की चीजों से किस तरह से मुतासिर हुआ होता है। घर में पहुंचने के बाद अगर कोई इंसान सामने से जो मसला रखने वाला है, अपनी परेशानियां रखने वाला है, उसको रखने का भी एक सलीका होता है। हाँ, काउंसलिंग में ये चीज जिक्र की जाती है, उसका एक सलीका होता है, पहले सामने वाले के मिजाज को समझा जाए कि अभी इस माहौल में, इस पोजीशन में है कि नहीं है एक इंसान, कि वो हमारी बात को वो सुन सकेगा नहीं सुन सकेगा। दूसरी बात ये होती है कि फिर उस वक्त उसका रिएक्ट क्या हो सकता है, और फिर उसके बाद बताने के लिए जो मसाइल जो जिक्र किए जा रहे हैं वो कितना अहम है, क्या जरूरी है कि बच्चों के मसाइल को या अपने मसाइल को रो करके ही बताया जाए, या ये बताया जाए कि उसको ब्लेम किया जाए कि आप जल्दी नहीं रखते, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, ये सारी बातें उस वक्त करने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी ये काउंसलिंग में चीजें जिक्र की जाती हैं, तो ये असल मसला होता है। इस तरह के जो मसाइल है ना, जब हम उस मसले को दोनों फरीक को सुनेंगे तो फिर ज्यादा ठीक से समझ में आएगा कि परेशानी कहाँ से आ रही है, किस जगह से। तो इसमें मियां बीवी को चाहिए कि वो हैंडल करें। देखिए, अल्लाह, एक वाकया है मुझे अभी याद आ गया, वो एक जो सहाबी का वाकया है कि उनके बच्चे की वफात हो गई, जब शाम को घर आए, घर में बच्चे का जनाजा रखा हुआ है, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उनकी बीवी ने उनको नहीं बताया, उनकी बीवी ना रोई ना चिल्लाई ना कोई वावेला किया ना शोहर को बताया, शोहर को खाना पेश किया, सारी चीजें जो सारी जरूरियात से फारिग हो गए, फिर सलीके से उन्होंने अपने शोहर को किस तरह से बताया, वो पूरा वाकया आप पढ़ें, तो उसके बाद उन्होंने बताया। ये तरीका होता है। अब बेटे की वफात से बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है, लेकिन उसको भी उन्होंने कैसे हैंडल किया, शौहर के जज्बात का किस तरह से ख्याल रखा। तो शौहर बाहर से आता है तो 1000 तरह के मसाइल से जूझ के आता है, कहीं उसके साथ मसाइल होते हैं, बहुत सारी परेशानियां वो अपने साथ अपने जहन में लेके आता है। अब अगर कोई ये कहता है कि वो परेशानियां बाहर छोड़ के आए, तो ये चीज फितरत के खिलाफ है। वो जो परेशानियां बाहर छोड़ के नहीं आ सकता, वो अपने जहन से नहीं। तो ये सारी चीजों की रियायत करते हुए अगर मसले को डील किया जाए तो मेरे ख्याल से आसानी होगी। और ये समझदारी होना औरतों के अंदर जरूरी है। और उसके खिलाफ बरखिलाफ मर्दों को भी ये समझना चाहिए कि औरतें जज्बाती होती हैं, उनका आतिफा और इन्फियाल और उनके जज्बात उनकी दूसरी चीजों पर गालिब होते हैं। तो अगर इस तरह की चीज किसी बीवी से सादिर हो जाए तो उसकी रियायत होनी चाहिए, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए।